पानी पाओ। अरे सुनिए, एक गिलास पानी ला दो, मेरा गला सूख रहा है पानी का। हाँ ला रही हूँ, थोड़ा सबर रखो। बुढ़िया ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है, थोड़ा सबर भी नहीं कर सकती है, वह शाम परेशान करती। ये लो पानी, सबर नहीं होता तुम्हें, थोड़ी देर पियोगी तो प्यास नहीं लगेगी। हाँ आ गया ना, बोलो क्या हो गया। मैं तेरा रास्ते देखने के लिए सीने में दर्द हो रहा है, दवाई ला के देना। अरे क्या तुम्हारा हमेशा सीना दुखते रहता है, तुम्हारा तो हमेशा रोज का नाटक है ऐसा। हाँ। नहीं है दवा और चुपचाप सो जाओ। हाँ। क्या तुम्हारा दिन भर देखभाल ही करते रहूं मैं, काम पे सारा तक आया हूँ। दादी दादी तुमसे एक बात पूछूं। बोल बेटा। मम्मी पापा तुम्हारे संग ना बुरा सुलूक करते हैं, तुम उनसे क्यों कुछ नहीं बोलती हो। अरे भाई मेरा बेटा बहू है, लाख कैसा भी सुलूक करे, मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलेगी। अगर दादी पापा को कुछ नहीं बोलेगी तो पापा मम्मी की हरकत बदल जाएगी, पापा को आखिर में सबक सिखाना ही होगा। तो पापा तुमसे एक बात पूछूं। हाँ पूछना बेटा। मैंने एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी का मुझे एंड समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे उस कहानी का एंड बता दो ना। क्या कहानी है बेटा? तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। तुम्हें अचानक से सीने में दर्द था, तुमने मुझसे दवा के लिए बोला और मैंने उस दवा लाने से तुम्हें मना कर दिया। अब ये बताओ उस माँ के लिए मुझे दवा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ओ बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझ जैसे नालायक बेटे को समझाने का इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। माँ बेटा माफ कर दे। मन के मेले की कौन सुने वो भी सुनता मन के हिसाब की, और दुनियादारी में कुछ नहीं रखा देना, सेवा कर लो माँ बाप की।